बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और आज हम उसमें करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कैलकुलेट करने हैं कॉन्जुगेट नंबर्स और फिर उस कॉन्जुगेट नंबर और रियल नंबर को जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट को प्लस करना है, माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। तो मैथ्स में कॉन्जुगेट इज़ फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द साइन बिटवीन द 2 टर्म्स इन अ बायनोमियल। 2 टर्म्स के दरमियान हम साइन चेंज करके कॉन्जुगेट बनाते हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस वाई इज एक्स माइनस वाई। एक्स और वाई 2 टर्म्स हैं, हमने इनके दरमियान जो है वो साइन चेंज कर दिया। जैसे 3x प्लस 1 है, तो अगर हम इसको 3x माइनस 1 कर देंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। हम इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास a प्लस बी आयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो a माइनस बी आयोटा होगा। और अगर हमारे पास a माइनस बी आयोटा है तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट a प्लस बी आयोटा होगा। इसका जो सिंबल होता है, एक छोटा सा बार डालते हैं तो वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो बहुत आसान तरीका है कि आपने इमेजिनरी नंबर से पहले जो है वो साइन चेंज करना है, उसके ऊपर छोटा सा बार लगाना है, तो ये आपका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है, इन एनी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ ओनली द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट डिफर। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को आपने चेंज करना है और रियल पार्ट के नंबर को चेंज नहीं करना, तो दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, व मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये हमारी जिंदगी जो है कुरान में आता है, ये एक धोखा है। धोखा कैसे है, हमें हर चीज़ रियल लगती है लेकिन आप देखें कि हर चीज़ तब्दील हो रही है। जैसे आप दरख्त देखते हैं, कभी उन पे फूल होते हैं, कभी उनकी खुश्क टहनियाँ होती हैं, कभी फूलों का रंग तब्दील हो जाता है, कभी फल लगते हैं। हर चीज़ मुस्तकिल चेंज हो रही है। अगर हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें तो जब हम हमारी मर्ज़ी ना दुनिया में आने में ना दुनिया पे जाने में, हम जब पैदा होते हैं ना हम अपनी मर्ज़ी से अपने माँ बाप चुनते हैं ना अपने बहन भाई चुनते हैं, हमारा नाम भी हमारा अपना नहीं होता, वो भी किसी का दिया होता है। तो एक छोटी सी ज़िंदगी है, थोड़े से वक्फे के लिए, जिसमें हम 100 पाल कहते हैं हमारी मर्ज़ी है। अगर हम अपनी इस मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर लें, अपने रब को जाने, अपने ज़िंदगी में आने का मकसद पहचाने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद और दूसरी अल्लाह के नबी की सुन्नत। तो कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ना शुरू करें, और अल्लाह के हर काम हमारा इबादत है अगर हम सुन्नत के मुताबिक करें। सोना, खाना पीना, उठना बैठना, हर मौके के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी दुआएं बताई हैं, उनको याद करना शुरू करें और अल्लाह का ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये पहला पोर्शन है इसका, z इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा, तो हम इसको कॉन्जुगेट जो है वो प्लस अयोटा होगा। फिर इसी तरह हमने z जो है प्लस कॉन्जुगेट को जब ऐड किया तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा इज़ इक्वल टू 0। और फिर जो है हमने z माइनस कॉन्जुगेट अयोटा, तो हमारे पास माइनस 2 अयोटा आया। फिर है जब हमने मल्टीप्लाई किया z और z के कॉन्जुगेट को, तो हमारे पास माइनस अयोटा स्क्वायर आया। और आपको पता है अयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो जब हम इसको प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने जो है वो सेकंड है पार्ट हमारे पास 2 प्लस अयोटा हमारे पास है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है उसमें हम आई से पहले साइन चेंज कर देंगे तो 2 माइनस अयोटा बनेगा। ठीक है, अब हमने इसको कॉन्जुगेट और को प्लस करना है जी प्लस जी कॉन्जुगेट को, तो ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास जो है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4। उसके बाद हम जो है माइनस जब करेंगे, तो माइनस करते हुए ये ख्याल रखें कि जब हम ब्रैकेट माइनस
को ओपन करते हैं तो माइनस की वजह से जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, उसमें टू से टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टू एयोटा जो है इसका आंसर आएगा। फिर हमने जी को जी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास फोर माइनस एयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, एयोटा की वैल्यू माइनस वन है तो हमारे पास फाइव आंसर आ गया। अब हमने इसका पार्ट थ्री करते हैं। अब हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किया तो जी हमारे पास जो है वो इसका कॉन्जुगेट लेंगे जो हम पहले कर चुके हैं और उसी तरह सारे स्टेप करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आयोटा आया और इसका कॉन्जुगेट जो है वो माइनस आयोटा होगा। अब हमने इसके कॉन्जुगेट और आयोटा और उसको मल्टीप्लाई प्लस किया तो प्लस माइनस आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो, हमारा इस आंसर जो है वो ज़ीरो आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो z को माइनस कॉन्जुगेट से करेंगे तो ये माइनस माइनस टू आयोटा हमारे पास आ गया और फिर हम z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस एयोटा स्क्वेयर आ गया और एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमने माइनस वन लगाई तो हमारे पास वन आंसर आ गया। इसी तरह हम ये पोर्शन जब करेंगे इसको भी पहले हम सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाय फाइव माइनस अलेवन एयोटा ओवर टेन, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाय फाइव प्लस अलेवन एयोटा ओवर टेन। अब हम इसको z और z को प्लस करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आपने देखा माइनस टू बाई फाइव आया। इसका पहले हमने जो है वो वन अलेवन एयोटा ओवर टेन आपस में कैंसिल हो जाएगा और हम इसको प्लस कर लेंगे। फिर अब हमने इसको z को माइनस कॉन्जुगेट से करना है तो ये हमारे पास आ जाता है सॉल्व करने के बाद माइनस अलेवन एयोटा ओवर फाइव। और फिर अब हमने इसको मल्टीप्लाई जब किया, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये ए प्लस बी ओवर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो ये हमारे पास जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 25 प्लस 121 ओवर 100। ठीक है, ये कॉपी पेंसिल लेके आप सारे स्टेप खुद से डिटेल में करें। और फिर हमने ये जो है सिंप्लीफाई इसको किया, हमारे पास आ गया 5 ओवर 4 इसका आंसर आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।